हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। सो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बच्चों, बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है नीट 2022 के लिए सीरियसली पढ़ना। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या हम आज से स्टार्ट करके नीट 2022 क्लियर करके एक सीट हासिल कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल टू क्लियर नीट 2022 इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? यस बच्चों, इट इज 100% पॉसिबल यू कैन क्लियर नीट 2022 इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो मैं वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोलूंगा कि सुबह 4 बजे उठो और ये करो या वो करो, एवरीबडी यूज टू से लाइक दैट, बट मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो 101% आप लोग नीट 22 के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की कर लोगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 100% में से 99% बच्चों की टिप टॉप होती है। दैट मीन्स सर, हमको सारी बायोलॉजी आती है, वी कैन क्रैक एवरी क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। आई नो दैट मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है। तो बायोलॉजी को तो मैं कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 100 में से 99% बायोलॉजी में मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बायोलॉजी रेडी नहीं है, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, वो लोग रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो अगर आप उनमें से हो तो प्लीज अभी से एनसीईआरटी को अपना गुरु ग्रंथ, बाइबल, गीता, कुरान, जो भी बनाना है बना लो। विदाउट एनसीईआरटी यू कैनॉट गो विद दैट। तो एनसीईआरटी का क्या सर? एनसीईआरटी तो सारे बच्चे पढ़ते हैं। हाउ वी कैन मास्टर ऑन एनसीईआरटीज? तो यू हैव टू जस्ट रीड एवरी सिंगल वर्ड, यू हैव टू जस्ट मेक एवरी सिंगल लाइन क्वेश्चन। सर ये कहां से मिलेगा? क्योंकि इतनी बड़ी एनसीईआरटी होती है, हमसे वही नहीं पढ़ी जाती, तो हम एक हर लाइन से क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो ये मैं पर्सनली आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूं, इट टोटली योर चॉइस गाइज। मेमो नीट करके एक ऐप है, प्ले स्टोर पे फ्री में ऐप आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। वहां लाइन बाय लाइन 1-to-1 क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का, एंड नीट 21 में आई थिंक सो 90% क्वेश्चंस उसी एक एक लाइन से क्वेश्चन थे, मतलब 85 क्वेश्चन जो थे, आप लोग देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पे भी वो डला है प्रूफ, दैट्स व्हाई आई थिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो आप लोग मेमो नीट ऐप करके उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड यू कैन चेक इट आउट। वहां एक एक वर्ड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन, और डिट्टो यू कैन जस्ट डू विद दैट। सर ये तो बायोलॉजी हो गया, ठीक है, देन कमिंग विद केमिस्ट्री। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो बच्चों केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की, तो मैंने इनऑर्गेनिक इसलिए सेकंड पे चूज किया क्योंकि बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे आर 100% डिट्टो। मतलब सर डिट्टो कैसे? पढ़ने के तरीके में डिट्टो, बिकॉज यू हैव टू गो वन वर्ड बाय वर्ड सेम एज बायोलॉजी। जैसे आप बायोलॉजी में एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के हर लाइन का क्वेश्चन आपको करना होता है, सेम हैपेंस विद इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी बच्चों आपका एक एक वर्ड एक एक लाइन का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आता। तो इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके जहां आप एनसीईआरटी से आउट ऑफ आउट 100% स्कोर करोगे। अगेन द प्रॉब्लम लाइज सर फिर हम कहां से करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक इज अ वेरी वेरी वास्ट और वेरी वोलेटाइल सब्जेक्ट। अब क्या होता है बच्चों, देखो फिजिक्स तो ऑलरेडी हमारी इतनी वीक होती है बायो वालों की कि भाई फिजिक्स तो ऑलरेडी इन डेंजर में है ही, तो अगर हम ये जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक बायोलॉजी हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पे 100% मास्टर कर लेंगे तो थोड़ा सा फिजिक्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेम विद दैट बच्चों, आप मेमो नीट के अंदर आपको इनऑर्गेनिक के भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वो लगा सकते हो, ठीक है। You don't have to do anything. The main major thing is कि वहाँ पे already 16,000 से ज़्यादा MCQs हैं Memo Neet पे, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, आप directly Play Store से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो directly जाके। इसमें 30% content बिल्कुल फ्री है, बाकी जो 70% content है वो आपको बहुत कम रुपीज में मिल रहा है, it is of 1700, लेकिन आप लोग कोड यूज कर लेना that is medicos25, तो आपको 300 रुपीज और ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपको मात्र और मात्र ही आपको what I can say that 1300 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट अवेल दैट, और आप लोग वहां पे यूपीआई पेमेंट है, आप उस यूपीआई पेमेंट के थ्रू भी ले सकते हो, ठीक है। सो जस्ट यू कैन रिलाई ऑन दैट बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एक एक एनसीईआरटी के यू नो एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व कर लो, जो पीछे एक्सरसाइज के आपको कन्वर्जन्स दिए हैं आप उन कन्वर्जन्स पे रिलाई कर सकते हो, वहां से आप लोग कन्वर्जन कर सकते हो, ओके। देन कमिंग विद द फिजिक्स, फिजिक्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन फिजिक्स, उसके अंदर मैंने मेजर चैप्टर्स और उन चैप्टर्स में भी सब टॉपिक्स बताए हैं कि अगर आप वो करके जाते हो तो डेफिनेटली आप लोग के मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा, आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है।
सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको करना है ऐसे, ठीक है। बाकी कितने बजे उठना है, 4 बजे 3 बजे, वो इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, क्योंकि वो आपके रूटीन में आपकी रिदम में है, सो यू कैन जस्ट गो विद दैट। सो आई होप सो गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू लाइक इट। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइज।